तो हेलो वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग आज का एक और नई धमाकेदार सी वीडियो को लेके आज की वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप फूड फार्म कैसे बना सकते हो एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर गेम में तो मैं आ चुका हूँ, आपको सामान का पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए वीडियो में। तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक प्लेस करना है, उसके आगे 19 ब्लॉक प्लेस करने हैं, टोटल यहाँ पर 20 ब्लॉक्स हो जाएंगे। फिर उसके साइड में आपको 18 ब्लॉक्स और प्लेस करने हैं, टोटल वो 19 ब्लॉक्स हो जाएंगे। और फिर इनको आपको कंबाइन कर देना है इन दोनों को। एंड फिर आपको एक वाटर बकेट लेनी है और यहाँ पर डाल देनी है। तो गाइस मैंने यहाँ पर वाटर बकेट को डाल दिया। अभी ऐसी सेम चीज आपको दूसरी तरफ भी करनी है। एंड फिर आपको सेंटर में आ जाना है और एक ब्लॉक को माइन करना है और वहां पर फिर एक वाटर बकेट को डाल देनी है और फिर आपको आगे ब्लॉक्स को माइन करना है। जब आप आगे जाओगे फिर आपको जहाँ पर वाटर रुके वहाँ पर आपको ब्लॉक माइन करना है और उससे पहला वाला भी ब्लॉक माइन करना है एंड फिर आपको डबल डबल ब्लॉक माइन करना है। एंड फिर से जहाँ पर वाटर रुके आपको वहाँ पर फिर से एक ब्लॉक नीचे माइन करना है और उससे पिछले वाला भी ब्लॉक माइन करना है और आपको चलते रहना है। एंड फिर आप तो आपकी लेयर है फॉर्म की, उससे आगे चले जाओ तो आपको स्टोरेज सिस्टम बना लेना है। तो मैं भी जल्दी से स्टोरेज सिस्टम बना लेता हूँ। एंड फिर आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और वहाँ उस वाली लेयर पे आ जाना है जिस लेयर में आपने 20 ब्लॉक लगाए हैं और फिर आपको उसके 10वें ब्लॉक पे। और आगे जाना है, आगे जाके यहाँ पर जो बीच में आपका गैप आया है वहाँ पर आपको एक ब्लॉक प्लेस करना है एंड उसके ऊपर एक और प्लेस ब्लॉक प्लेस करना है, उसके ऊपर दो ब्लॉक प्लेस करने हैं। अब आप उसको 2x3 का एरिया बना लेना है। एंड फिर आपको स्टेयर लेनी है, लैडर्स लेनी है और फिर आपको नीचे आना है और सबसे नीचे वाले ब्लॉक को माइन कर देना है और फिर वहाँ पर 3 लाइडर्स को लगा देना है और फिर आपको ऊपर आना है और वहाँ पर आप सैपलिंग को लगा कर उसे बोन मिल कर सकते हो और फिर आप उसे और फिर आप पेड़ को काट सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।